Hello everyone, in this video we are going to start with quadratic equation practice set 2.2 class 10th Maharashtra board. Solve the following quadratic equation by factorization method. Okay, we have to solve the following quadratic equation by factorization method, means we have to find the factors of quadratic equation. Okay, given x square minus 15x plus 54 is equal to 0. यहाँ पे जब देखेंगे कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1 है. ठीक है, जब मैं 1 इंटू 54 करूँगा तो फिर मुझे 54 ही मिलेगा. मीन्स आई हैव टू फाइंड फैक्टर ऑफ 54. 54 का तो हमें फैक्टर फाइंड करना है, लेकिन क्या चाहिए, प्लस और माइनस करने के बाद मुझे 15 आना चाहिए. ठीक है, अब जब 9 6 से मैं करूँगा तो फिर क्या मिलेगा, 54 माइनस 9 माइनस 6 दैट इज माइनस 15. फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसके बाद ये दोनों जो टर्म है उसमें से हमें क्या करना है, कॉमन लेना है. ठीक है, ये दो का पेयर लगाए. ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, कॉमन लेना है. तो फिर क्या करोगे, x इन ब्रैकेट x क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा. फिर लिखेंगे x माइनस 9, फिर से यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस 6 इन ब्रैकेट x माइनस 9 इज इक्वल टू 0. क्लियर, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, दोनों टर्म में x कॉमन आ जाएगा तो फिर कॉमन ले लिया. ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, x माइनस 9, फिर से यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, कॉमन 6 कॉमन आ जाएगा. ठीक है, तो फिर क्या किया, माइनस 6 और इन ब्रैकेट क्या रह जाएगा, एक्स माइनस 9. ठीक है, अब देखो ये जो टर्म दिख रहा है, ये दोनों टर्म एक जैसा है, फिर इसको ऐसा लिख लेंगे, एक्स माइनस 9 और ये जो टर्म दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसके बाद आगे और सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. क्लियर, यहाँ से लिखेंगे x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 6. ठीक है, नीचे लिखेंगे x इज इक्वल टू 9 कॉमा 6 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन are the roots of quadratic equation. Clear? Next इसे solve करना है. ये क्या दिया है, x square minus x minus 20. ठीक है, मुझे क्या चाहिए, minus 20 चाहिए. minus 20 का क्या करना है, फैक्टर निकालना है. ठीक है, जहाँ पे हमें minus 1 चाहिए. ठीक है, फिर 4 5 जो 20 होता है. ठीक है, मुझे greater number sign minus चाहिए. ठीक है, और प्लस स्मॉलर नंबर प्लस, तो फिर देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 4 दैट इज माइनस 1. मीन्स मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0. अगर इससे पहले जब मैंने कॉमन निकाला था वो नहीं समझा होगा, तो फिर मैं इसको अच्छी तरह से एक्सपेंड करके बताता हूँ. इसको एक्स स्क्वेयर है तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स इंटू एक्स लिख सकता हूँ. क्लियर, प्लस 4x है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू एक्स. क्लियर, माइनस 5x है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू एक्स, और 20 है इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब ये जो टर्म है इसमें से हमें क्या चाहिए, कॉमन चाहिए. ठीक है, इन दोनों टर्म में से ये जो टर्म था इसको ऐसे करके लिखेंगे. ठीक है, अब देखो ये दोनों टर्म में से हमें क्या चाहिए, कॉमन चाहिए. फिर कॉमन क्या आएगा इसमें से, देखो इसमें x देख रहा है, यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन आ गया. ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, x प्लस 4. क्लियर, x प्लस 4 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा. इसके बाद ये जो टर्म है इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 5 भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी है. ठीक है, 5 कॉमन ले लिया, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा, एक्स जब मैंने माइनस साइन कॉमन लिया. ठीक है, तो फिर माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 4 इज इक्वल टू 0. इसके बाद देखो आगे फिर क्या लिखूँगा, ये दोनों ब्रैकेट तो सेम है,
ठीक है, तो फिर मैं लिख सकता हूँ x प्लस फोर, और जो दूसरा ब्रैकेट है क्या है, x माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर? अब आगे लिखूँगा x प्लस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो और x माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ x इज इक्वल टू माइनस फोर और x इज इक्वल टू फाइव। मीन्स यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू लिख सकता हूँ, कर्ली ब्रैकेट है ये, क्या लिखेंगे, माइनस फोर कॉमा फाइव आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? इसके बाद देखते हो क्वेश्चन नंबर थ्री क्या दिया है, देखो 2y² प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो इससे पहले जो कुछ सॉल्व करते थे यहाँ पे जो कोएफिशिएंट होता था वन होता था, ठीक है, वन से जब हम इसको 13 इंटू वन करते थे तो 13 ही आ जाता था, ठीक है, इससे पहले के क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे अभी 2 है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म करेंगे, ठीक है, ये जो फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। मतलब क्या करेंगे अब, 13 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 26। 26 का हमें फैक्टर निकालना है जिससे हमें 27 आना चाहिए, तो फिर 26 वन जा 26 और 26 प्लस 1 27। फिर मैं इसे कैसे लिखूँगा, 2y² प्लस 26 है, फिर लिखता हूँ 26 वाई प्लस वाई प्लस 13 इज इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर? इसको सॉल्व करता हूँ, इन दोनों का पेयर यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉमन y कॉमन आ गया और 2 भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 2y कॉमन आ जाएगा, फिर क्या लिखोगे, y प्लस 13, फिर से प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट से क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 कॉमन आ गया, y को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू वाई, और 13 को 13 इंटू 1, मतलब 1 कॉमन आ गया, फिर क्या लिखेंगे, y प्लस 13 इज इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर? आगे सॉल्व करता हूँ, 2y प्लस ये 1 आ गया और ये y प्लस 13 इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, y प्लस 13 दोनों ब्रैकेट से मैं तो एक ही बार लिख लिया, ठीक है, और ये 2y प्लस 1 लिखा। आगे सॉल्व करता हूँ, 2y प्लस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो और क्या लिखूँगा, y प्लस 13 इज इक्वल टू ज़ीरो। आगे सॉल्व करेंगे, 2y इज इक्वल टू माइनस 1 और y इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, माइनस 1 बाई 2 और y इज इक्वल टू माइनस 13, देयरफॉर आई कैन राइट एज y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 कॉमा माइनस 13 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब ये देखो क्वेश्चन, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रहा है हमें, ठीक है, दिस इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फिर अगर नहीं है तो फिर हमें क्या करना है, कन्वर्ट करके लेना है। तो फिर क्या करोगे, 5m² लिखा, ये प्लस 22 है, लेफ्ट हैंड साइड आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस 22m माइनस 15 इज इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर? देखो ये प्लस था लेफ्ट हैंड साइड आने के बाद माइनस 22 हो गया और ये प्लस 15 था लेफ्ट हैंड साइड आने के बाद माइनस 15 हो गया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म करेंगे, 15 फाइव सा 75 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 75। नाउ वी हैव टू फाइंड द फैक्टर ऑफ माइनस 75 ताकि हमें क्या मिल सके, माइनस 22 मिल सके, ठीक है। अब माइनस 22 चाहिए तो फिर 25 थ्री जा 75 माइनस 25 प्लस 3, फिर ऐसे फैक्टर निकालेंगे तो फिर हमें मिल जाएगा, देखो क्या लिखेंगे, 5m² माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इज इक्वल टू ज़ीरो।
अब इन दोनों को एक साथ पेयर लगाया, ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या चाहिए, कॉमन चाहिए, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 5 एम कॉमन आ गया। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, m माइनस फाइव एम कॉमन आ गया, तो फिर यहाँ पे m रह जाएगा, ये 25 है, 25 में से यहाँ से 5 लिया था ना, 5 एम कॉमन लिया, तो फिर क्या बचेगा यहाँ पे, 5। फिर आगे क्या लिखोगे, 3 इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा, m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हमेशा ध्यान रखना ये दो ब्रैकेट है ना, वो हमेशा सेम ही आता है, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तब, ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट सेम आता ही है। चलो आगे लिखेंगे, 5 एम प्लस 3 और दूसरा ब्रैकेट क्या आ जाएगा, 5 एम प्लस 3 लिखा और जो ब्रैकेट है कॉमन वाला m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे और क्या लिखेंगे, 5 एम प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लिखेंगे, 5 एम इज इक्वल टू माइनस 3 और यहाँ m इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 5 और m इज इक्वल टू 5। मीन्स आई कैन राइट एज m इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 5 कॉमा 5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। इसके बाद देखते हो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 2x² - 2x + 1/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म करना, 2 इंटू 1/2 दैट इज 1, ठीक है। 1/2 मतलब 1 आ गया। अब हमें 1 का ऐसा फैक्टर निकालना जिससे क्या आना चाहिए, माइनस 2 आना चाहिए। तो फिर देखो, -1 - 1 माइनस माइनस प्लस और ये क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं सॉल्व करता हूँ, लिखूँगा 2x² - x - x - + मतलब 2x हो जाएगा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा, x इन ब्रैकेट 2x - 1। फिर इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, -1 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या लिखोगे, फिर से देखो यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन, 1/2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ, ठीक है, फिर यहाँ से क्या मिलेगा, 2x - 1 क्लियर इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या किया, 1/2 कॉमन लिया। जब मैं 1/2 कॉमन लूँगा तो फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना पड़ेगा ना। देखो यहाँ से अगर मैं कॉमन लेता हूँ 1/2, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो कॉमन आएगा ना। जब देखो यहाँ पे 1/2 कॉमन लिया, यहाँ पे 1/2 कॉमन लिया, तो फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया, 2x और यहाँ पे 1/2 कॉमन लिया, तो फिर क्या आ जाएगा, -1। क्लियर। आगे देखो, x - 1/2 इंटू अनदर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2x - 1 इज इक्वल टू 0। फिर से लिखेंगे, x - 1/2 इज इक्वल टू 0 और 2x - 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/2 और 2x इज इक्वल टू 1 और यहाँ से लिखेंगे, x इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से लिखेंगे, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2 कॉमा 1/2 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्लियर है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6x - 2x इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, 6x² - 6x - x क्या हो जाएगा, 6x² - 2/x इज इक्वल टू 1, ठीक है। डिनोमिनेटर में x आ गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, 6x² - 2 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स। अभी और आगे सॉल्व करेंगे फिर क्या मिलेगा, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं 6x² - x - 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, देखो 6 से x² जैसा था वैसे ये प्लस है ना, एक्स लेफ्ट हैंड साइड आने के बाद माइनस हो गया, ठीक है, और -2 जैसा था वैसे लिख लिया। फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, 6 × 2 = 12, मतलब -12 का हमें क्या करना है, फैक्टर निकालना है जिसमें हमें -1 आना चाहिए, तो फिर 4 × 3 = -4 + 3। यहाँ से लिखेंगे 6x² - 4x + 3x - 2 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म से हमें क्या चाहिए, कॉमन चाहिए, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, 2x कॉमन, ठीक है, यहाँ से क्या लिखेंगे, 3x - 2, और इसमें से कॉमन आ जाएगा 1 (3x - 2) इज इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करेंगे क्या लिखेंगे, 2x + 1 और दूसरे ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट जैसे वैसे लिख लेंगे, 3x - 2 इज इक्वल टू 0। आगे क्या लिखेंगे, 2x + 1 इज इक्वल टू 0 और 3x - 2 इज इक्वल टू 0। फिर लिखेंगे 2x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1/2 और 3x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2/3। मीन्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू -1/2 कॉमा 2/3 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन √2√x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या करना है, इसे ये जो रूट्स गिवन है कितना, 2√2x² + 7x + 5√2 इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, ठीक है, 5 × √2 × √2 कितना 2, मतलब 5 × 2 = 10 आ गया, ठीक है, 10 का हमें क्या चाहिए, फैक्टर निकालना है जिसमें हमें 7 आना चाहिए, तो फिर 5 × 2 = 10 और 5 + 2 = 7, मीन्स हमें फैक्टर मिल गया कितना, 5 और 7। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डायरेक्ट, क्या लिखेंगे, √2x² + 2x + 5x + 5√2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन लेना है, ठीक है, कॉमन क्या आ जाएगा, √2x कॉमन आ गया, ठीक है, इसके अंदर क्या लिखोगे, √2x कॉमन ले लिया, तो फिर यहाँ पे क्या बच गया, x + √2, यहाँ से फिर से कॉमन क्या आ जाएगा, 5 (x + √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो ये दोनों जो ब्रैकेट हैं x + √2 x + √2 दोनों सेम है, ठीक है, दोनों ब्रैकेट को एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, इससे पहले क्या करते हैं, √2x + 5 और यहाँ पे लिखेंगे x + √2 इज इक्वल टू 0। फिर से और आगे सॉल्व करना है, जब आगे सॉल्व करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, लिखेंगे √2x + 5 इज इक्वल टू 0 और x + √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे, लिखेंगे √2x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -5/√2 और आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे और लिखना है, यहाँ पे भी और लिखेंगे,
क्या लिखेंगे आप, x इज इक्वल टू माइनस रूट टू, मतलब जो x का वैल्यू हमें मिल गया, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे देयर फोर x इज इक्वल टू फाइव बाय माइनस फाइव बाय रूट टू कॉमा और माइनस रूट टू आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये हमें रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट क्या गिवन है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट सिक्स एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्या दिया है यहाँ पे, टू रूट सिक्स चाहिए, माइनस टू रूट सिक्स चाहिए और थ्री टू जो सिक्स होता है, ठीक है, थ्री टू जो फर्स्ट टाइम इंटू लास्ट टाइम करेंगे तो सिक्स आ गया, ठीक है। और मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, रूट सिक्स है ना, तो उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स, लिख सकते हैं ना सिक्स को, रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स क्या हो जाएगा सिक्स। फिर हमें जो फैक्टर चाहिए था यहाँ पे कितना होता है वन और ये वन, वन प्लस वन टू, मतलब यहाँ पे जो साइन चाहिए माइनस चाहिए, ठीक है, माइनस रूट सिक्स माइनस रूट सिक्स दैट इज माइनस टू रूट सिक्स आ गया, ठीक है। अब आगे देखो सॉल्व करते हैं, लिखेंगे थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस रूट सिक्स एक्स माइनस रूट सिक्स एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इन दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन लेना है, ठीक है, कॉमन लेकर क्या लिखेंगे आप, कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन के लिए देखो थ्री है ना और ये सिक्स है, फिर इसको यहाँ से एक्स कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर है ना, तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ रूट थ्री इंटू रूट थ्री इंटू एक्स इंटू एक्स, किसको, थ्री एक्स स्क्वायर को ऐसा मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, माइनस रूट सिक्स है ना उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ रूट टू इंटू रूट थ्री इंटू एक्स, ठीक है, और फिर से माइनस, फिर से रूट सिक्स को क्या लिखेंगे रूट थ्री इंटू रूट टू इंटू एक्स और प्लस टू है ना, तो उसको रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू, ठीक है। आगे यहाँ से देखो इसमें से हमें कॉमन लेना है और इस टर्म में से कॉमन लेना है, ठीक है, इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे रूट थ्री है, यहाँ पे भी रूट थ्री है, एक्स भी है और एक्स भी है, फिर क्या लिखेंगे रूट थ्री एक्स कॉमन आ गया, क्या लिखेंगे रूट थ्री एक्स माइनस माइनस रूट टू, फिर से यहाँ से कॉमन आ जाएगा, क्या आएगा रूट टू, दोनों में कॉमन है तो फिर लिख दिया रूट टू रूट टू इन ब्रैकेट रूट थ्री एक्स माइनस माइनस क्या आ जाएगा रूट टू, देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, लिखेंगे रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू और फिर से रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे भी हर एक जगह पे इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। आगे लिखेंगे रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू ज़ीरो और रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू ज़ीरो, इन दोनों में से एक तो ज़ीरो होगा, फिर आगे लिखेंगे रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू रूट टू और रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू रूट टू, यहाँ पे माइनस है राइट हैंड साइड आने के बाद प्लस हो गया, ठीक है। आगे लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू रूट टू बाय रूट थ्री और यहाँ पे भी लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू रूट टू बाई रूट थ्री, फाइनली एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे रूट टू बाई रूट थ्री कॉमा रूट टू बाई रूट थ्री आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन क्या दिया, देखो टू एम इन ब्रैकेट
एम माइनस 24 इज इक्वल टू 50। अब ब्रैकेट है तो फिर ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, लिखेंगे 2 एम इंटू एम एम स्क्वेयर माइनस 24 टू ज़ा 24 टू ज़ा होता है 48, 24 टू ज़ा 48 एम इज इक्वल टू 50। क्लियर, आगे देखो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, लिखेंगे 2 एम स्क्वेयर माइनस 48 एम, ये प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड आने के बाद माइनस 50 इज इक्वल टू 0, और 50 इंटू 2 होता है 100, 52 ज़ा 100। हमें क्या करना है, 100 का फैक्टर निकालना है जिसमें हमें क्या आना चाहिए, 48 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ 50 और ये 2, माइनस 50 प्लस 2 तो आ जाएगा 48। ठीक है, आगे सॉल्व करता हूँ, लिखेंगे 2 एम स्क्वेयर माइनस 50 एम, 2 एम स्क्वेयर माइनस 50 एम प्लस 2 एम माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म्स से हमें क्या चाहिए, कॉमन चाहिए। ठीक है, कॉमन के लिए क्या कॉमन आ जाएगा, 2 और m कॉमन आ गया, क्या लिखेंगे, m माइनस 25 प्लस, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, फिर से लिखेंगे m माइनस 25 इज इक्वल टू 0, फिर लिखेंगे 2 m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी 2 m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 2 है ना, और क्या लिखेंगे, m माइनस 25 इज इक्वल टू 0, यहाँ से लिखेंगे 2 m इज इक्वल टू माइनस 2 और m इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 2, दैट इज m इज इक्वल टू माइनस 1। एक फैक्टर मिल गया, दूसरे के लिए सॉल्व करेंगे, यहाँ पे और लिखना है, क्या मिलेगा, m इज इक्वल टू 25। ठीक है, लास्ट में लिखता हूँ, देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस 1 कॉमा 25 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है, 25 एम स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 25 एम स्क्वेयर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 25 एम स्क्वेयर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको और कैसे लिख सकता हूँ, 5 एम और इसके स्क्वेयर ऐसे मैं लिख सकता हूँ माइनस 3 स्क्वेयर। मतलब मैं कौन से फॉर्मूला पे आ गया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लिखा। ठीक है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे देखो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 5m प्लस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो फिर क्या मिलेगा, देखो लिखेंगे 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, फिर लिखेंगे 5m इज इक्वल टू माइनस 3 और 5m इज इक्वल टू 3 और m का वैल्यू कितना मिलेगा, माइनस 3 बाई 5 और m इज इक्वल टू 3 बाई 5। लास्ट में लिखूंगा, देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 5 कॉमा 3 बाई 5 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद देखो ये क्वेश्चन क्या दिया, 7 एम स्क्वेयर, क्वेश्चन नंबर 11, 7 एम स्क्वेयर माइनस 7 एम स्क्वेयर इज इक्वल टू 21 एम। ठीक है, इसके बाद मैं सॉल्व करूँगा, लिखूँगा 7 एम स्क्वेयर माइनस 21 एम इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या आ जाएगा, m कॉमन आ जाएगा। ठीक है, लिख लेता हूँ, m इन ब्रैकेट 7m
-21 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब देखो मैं लिख सकता हूँ m इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से क्या लिखेंगे, 7m माइनस 21 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। फिर से सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, 7m इज़ इक्वल टू 21, m इज़ इक्वल टू 21 बाई 7, m इज़ इक्वल टू 3 लिखेंगे। देयरफॉर m इज़ इक्वल टू 0.3 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व ये कैसे सॉल्व करेंगे। देखो एम स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू ज़ीरो, फिर मैं इसको लिख सकता हूँ एम इसका स्क्वायर माइनस 11 अंडर रूट 11 और इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो, मतलब फिर से वही फार्मूला पे आ गया, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, फिर से लिखता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमें यूज़ करना है, अप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे, एम प्लस रूट 11 और दूसरे ब्रैकेट में एम माइनस रूट 11 इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर लिखेंगे एम प्लस रूट 11 इज इक्वल टू ज़ीरो और एम माइनस रूट 11 इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर लिखेंगे एम इज इक्वल टू माइनस रूट 11 और एम इज इक्वल टू रूट 11। ठीक है, देयरफॉर एम इज इक्वल टू रूट अंडर 11 माइनस रूट 11 कॉमा रूट 11 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, ये था एक्सरसाइज 2.2, हमने क्या किया, कंप्लीट किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।